Hello everyone. In today's lecture, we'll discuss about animal tissue culture equipments. How an animal tissue culture lab is set up, कौन कौन से equipments हमारे animal tissue culture lab में use होते हैं और equipment के साथ ही हम ये discuss करेंगे कि कौन से plastic ware हम use करते हैं एक animal tissue culture setup को जो हम establish करते हैं तो कौन कौन से हमें equipments चाहिए और कौन कौन से plastic ware हम use करते हैं. So आने वाली स्लाइड्स में आप देखेंगे एक एक करके हमें आपको इक्विपमेंट्स का नाम बताऊंगा, उनका रोल बताऊंगा, क्या उनकी इम्पोर्टेंस है एक एनिमल टिश्यू कल्चर लैब में, और साथ ही साथ कुछ प्लास्टिक वेयर्स जो कॉमनली यूज प्लास्टिक वेयर हम यूज़ करते हैं एक एनिमल टिश्यू कल्चर लैब में, वो भी हम इसको उसको हम देखेंगे इसमें, उसके बारे में हम थोड़ा सा सीखेंगे आज. तो चलते हैं, करते हैं पहली स्लाइड स्टार्ट. तो सबसे पहला इक्विपमेंट हमारा आता है जी, देखिए थोड़ा सा हमारे पास एक ओवरव्यू है एक एनिमल टिश्यू कल्चर लैब का. देखिए आपके पास रफली आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या सामान लगा है. इफ़ यू गो लुक एट दिस पिक्चर, एक सेंट्रीफ्यूज पड़ा है आपके पास, आपके पास इंक्यूबेटर्स पड़े हैं, आपके पास लेमिनार है, यहाँ देखिए लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं. सो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो हम एक एनिमल टिश्यू कल्चर लैब में यूज़ करते हैं. तो पहला जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट आता है दैट इज़ योर बायोसेफ्टी कैबिनेट. बायोसेफ्टी सेफ्टी कैबिनेट को आप कॉमनली लैमिनार एयरफ्लो कह देते हैं या लैमिनार कह देते हैं शॉर्ट फॉर्म में. तो ये बेसिकली फुल इसका पूरा नाम है माइक्रो बायोसेफ्टी कैबिनेट. इस कैबिनेट का पर्पस क्या है कि इस कैबिनेट के अंदर फिटेड होते हैं आपके हेपा फिल्टर्स. हेपा फिल्टर्स की मदद से इनमें एक एयर फ्लो जनरेट रहता है जिसको हम लैमिनार एयर फ्लो कहते हैं. एक शीट की फॉर्म में एयर फ्लो करती है और जो आपका चेम्बर है इट हैज ए करंट ऑफ स्टराइल एयर. तो उस स्टराइल एयर की वजह से जो कंपार्टमेंट के अंदर का जो रीजन है इट इज स्टराइल वर्किंग एरिया. ये हमें प्रोवाइड करता है एक स्टराइल वर्किंग एरिया. तो हम बायोसेफ्टी कैबिनेट्स का जो इस्तेमाल है वो अलग अलग कामों के लिए करते हैं. हम माइक्रोबायोलॉजी में भी इसका यूज़ करते हैं, हम प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए भी इसका यूज़ करते हैं, हम एनिमल टिश्यू कल्चर में भी इसका यूज़ करते हैं. तो बेसिकली एक स्टराइल एनवायरनमेंट देता है ये हमें काम करने के लिए. बायोसेफ्टी कैबिनेट्स डिफरेंट तरह के आते हैं आपके पास. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर वर्किंग विद बैक्टीरिया तो आप थोड़ा सा कम मतलब आप कहते हैं बायोसेफ्टी लेवल 1, 2, 3 करके आते हैं ये. तो बायोसेफ्टी लेवल्स डिपेंड करते हैं कि आप किस ऑर्गेनिज्म के साथ काम कर रहे हैं. क्या वो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शियस तो नहीं है, क्या वो डिजीज कॉजिंग तो नहीं है. तो अगर डिजीज कॉजिंग या इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म से आप काम कर रहे हैं तो आपका जो लैमिनार एयर फ्लो आता है वो थोड़ा सा डिफरेंट तरह का होता है. उसमें रिवर्स एयर फ्लो होता है, उसमें कुछ भी बाहर नहीं आता. वो उसमें आपके एग्जॉस्ट लगे होते हैं जो हवा को बाहर ले जाते हैं. टिपिकली लैमिनार एयर फ्लोज में हवा एक लैमिनार फॉर्म में ऊपर से नीचे आती है हेपा फिल्टर से. अच्छा, हेपा फिल्टर्स के अलावा लैमिनार एयर फ्लोज में आपके पास एक लाइट भी रहती है जो आपको एक आपका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसमें लाइटिंग अच्छी रहती है. साथ साथ एक यूवी टॉर्च या यूवी बल्ब भी दिया जाता है, बीच में यूवी एक लाइट दी जाती है सो दैट बिफोर यू स्टार्ट वर्किंग आप अपने उस स्टराइल वर्किंग एरिया को यूवी को यूज करके स्टराइल कर सके बिफोर यू स्टार्ट वर्किंग. अच्छा, इसके बाद हमारा दूसरा इक्विपमेंट जो आता है दैट इज योर CO2 इंक्यूबेटर. बहुत इंपॉर्टेंट ये कंपोनेंट है आपका एनिमल टिश्यू कल्चर लैब का. तो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड आप देखो यहाँ पे एक फोटो मैंने दिखाई है. यहाँ पे एक आपके पास छोटा सा अलमीरा टाइप है एंड देन देयर इज अ सिलेंडर. दिस सिलेंडर इज व्हाट सप्लाइज कार्बन डाइऑक्साइड. और अल्मीरा हम खोल के देखेंगे, इसको इंक्यूबेटर कहते हैं. अल्मीरा लाइक स्ट्रक्चर है, जब खोलते हैं हम इसके अंदर शेल्व्स हैं और इसमें आपके ये प्लास्टिक वेयर पड़े हैं जिसमें आपके सेल्स ग्रो करेंगे. तो आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्यूबेटर है तो ये बाकी आपके बैक्टीरियल इंक्यूबेटर से या नॉर्मली 37 डिग्री वाले इंक्यूबेटर से इस तरह से डिफरेंट है कि यहाँ पे एक तो कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई रहती है, दूसरा ये इंक्यूबेटर्स ह्यूमिडिफाइड होते हैं. बहुत तरह तरह के आते हैं. कुछ इंक्यूबेटर्स के बॉटम वाली शेल्फ पे आप पानी भर के रखते हैं और कुछ इंक्यूबेटर्स में इनबिल्ट एक जैकेट आती है जिसमें आपने सिर्फ पाइप अटैच करनी है बाहर से तो पानी अंदर उसके घूमता है. तो एम इस इंक्यूबेटर का है 37 डिग्री टेम्परेचर देना, एक ह्यूमिडिफाइड एनवायरनमेंट देना विद द हेल्प ऑफ वाटर और जैसे भी आप पानी रखते हैं, चाहे प्लेस करते हैं चाहे आप पाइप से देते हैं. एंड नंबर 3 CO2 देना. CO2 का रोल इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है. CO2 एक्ट्स एज बफर की तरह एक्ट करता है और एक इन्वायरमेंट देता है अंदर सेल्स को जो सेल्स अच्छे से ग्रो कर सकें. तो CO2 का रोल ये है कि इट्स एज ए बफरिंग मैकेनिज्म, कार्बोनेट बाय कार्बोनेट बफर बैलेंस को बना के रखता है ये.
उसके आगे चलेंगे, हमारे पास तीसरी चीज आती है सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज आपके बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे। दिस इज अ पिक्चर ऑफ ए टिपिकल सेंट्रीफ्यूज वी यूज, एक छोटा सा सिंपल सा सेंट्रीफ्यूज है। रेफ्रिजरेटेड हो तो अच्छा रहता है, रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज आर प्रेफर्ड। तो इसका एम ये है कि इसमें हम सेल्स को पेलट डाउन करेंगे। जब भी हम सेल को सब कल्चर करते हैं, या आपके सस्पेंशन कल्चर्स को आपने मीडिया चेंज करना है, बिकॉज एक टाइम के बाद मीडिया जो है वो डिप्लीट होना शुरू हो जाएगा। वो आपका सेल्स को उतने न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं कर पाएगा जितना सेल्स को चाहिए। तो आपको मीडिया रेप्लेनिश करना पड़ता है, या उसको हम बड़ी कॉमन लैंग्वेज में मीडिया चेंज कह देते हैं। तो मीडिया चेंज करने के टाइम अगर तो आपका कल्चर एडहेरेंट है, वो सेल चिपके हुए हैं आपके बॉटम से, सेल वेसल के बॉटम से चिपके हुए हैं, तो उस केस में आपके पास जो सिनारियो है कि आप सीधा मीडिया को डिकेट ऑफ करिए, नया मीडिया डालिए। और अगर आपका सेल सस्पेंशन है तब आप उसको डिकेट नहीं कर सकते, बिकॉज सेल्स आपके मीडिया के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं। तो उस केस में आपको सेल्स को मीडिया से अलग करना है, तो फॉर दैट यू नीड ए सेंट्रीफ्यूज। अब देखिए, ये सेंट्रीफ्यूज के बाहर ये जो स्ट्रक्चर्स आपको पड़े हुए दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड रोटर्स। अलग अलग रोटर्स एक अडेप्टर की तरह काम करते हैं। अब देखिए, बड़ा वाला इसमें बड़ी ट्यूब्स लगी हैं, ये छोटे वालों में छोटी ट्यूब्स हैं। तो ये अडेप्टर्स हैं। और सेंट्रीफ्यूज में आप टिपिकली एनिमल सेल्स को 2 से 3 हज़ार RPM के ऊपर सेंट्रीफ्यूज करते हो फॉर से 2, 3, 5 मिनट्स, और उसके बाद आप उनको पैलेट डाउन करा के मीडिया अलग कर सकते हो सेल से। तो जब भी आपको जो भी आपका ऐसा काम होगा जहाँ पे आपको सेल्स को मीडिया से अलग करना है, तो आपको एक सेंट्रीफ्यूज चाहिए। मूविंग ऑन, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हमारा आता है इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मैंडेटरी एक आइटम है एक एनिमल टिश्यू कल्चर लैब के लिए। आपने एनिमल सेल्स को जब इनोकुलेट कर दिया, जब आपने उनको वेसल में डाल दिया, वो वेसल किसी भी शेप का हो सकता है, हम डिस्कस करेंगे इसी प्रेजेंटेशन में आगे जाके। जब आपने उसको वेसल में डाल दिया, सपोज इट इज एन एडहेरेंट सेल लाइन और एक सस्पेंशन सेल लाइन है, तो अगर आप उनकी ग्रोथ मॉनिटर करना चाहते हो कि वो सेल्स ग्रो कर रहे हैं, क्या वो उन्होंने एडहेरेंट सेल है तो उसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, क्या वो ओवर ग्रोथ तो नहीं होगी, क्या वो ग्रो कर भी रही है या नहीं कर रही, तो इस सबको ऑब्जर्व करने के लिए आपके पास एक इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप आता है। ये टिपिकल माइक्रोस्कोप से अलग इस तरह से है कि आपके पास टिपिकल माइक्रोस्कोप में ये आपके कहलाते हैं आपके आईपीस, और यहाँ पे होता है ऑब्जेक्टिव। बट ये माइक्रोस्कोप इस तरह डिफरेंट है कि यहाँ पे आईपीस तो अपने लोकेशन पे है, लेकिन ऑब्जेक्टिव गोज डाउन, और ये जो ऊपर कंडेंसर है ये ऊपर आ जाता है। टिपिकली कंडेंसर नीचे होता है और आपका आपका ऑब्जेक्टिव ऊपर होता है, लेकिन इस केस में कंडेंसर ऊपर है और ऑब्जेक्टिव नीचे है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप्स। इसमें आप फ्लास्क को, इसमें आप डिशेज को आप एज सच रख के मॉनिटर कर सकते हो सेल ग्रोथ को। मूविंग ऑन, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हमारा, नेक्स्ट इक्विपमेंट हमारा, दो मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हैं। एक दिस इज वाटर बाथ। ये वाटर बाथ इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको सेल्स को टेम्परेचर, दिस गिव्स एन, आप इसमें टेम्परेचर के साथ फिडल कर सकते हो। 37 डिग्री के ऊपर, 50 डिग्री आप टेम्परेचर को फिडल कर सकते हो। कई बार चीज़ों को डायरेक्ट हीट करना हार्मफुल होता है, तो आपको उनको वाटर बाथ के ऊपर हीट करना पड़ता है। तो दिस इज द वाटर बाथ। ये स्लाइड लाइक स्ट्रक्चर, आई थिंक आप फेमिलियर होंगे इससे। दिस इज कॉल्ड हीमोसाइटोमीटर, ऑल्सो नोन एज न्यूबर चैम्बर। इसमें आपको सेल काउंटिंग, जब सेल सीडिंग के टाइम आपने अपनी डेंसिटी मेंटेन रखनी होती है कि आपने कितने सेल सीड करने हैं, जब आप एक्सपेरिमेंटल लेवल पे जाते हो एक्सपेरिमेंट करने हैं, तो कितने सेल्स आपने स्टार्ट करना है, उस टाइम ये आपकी मदद करता है सेल्स को काउंट करने में। तो सेल काउंटर कह सकते हैं इसे आप, सेल काउंटिंग वेल्व का हीमोसाइटोमीटर इसका नाम है, न्यूबर चैम्बर भी कहलाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं हमारे पास, अगेन दिस इज अ वेरी वेरी हाई एंड इंस्ट्रूमेंट। दिस इज अ वेरी हाई एंड इंस्ट्रूमेंट, हर लैब में होता भी नहीं है, बहुत कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट और बहुत हाई एंड है। दिस इज कॉल्ड एज फ्लो साइटोमीटर। फ्लो साइटोमीटर में क्या होता है, इट्स एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन बेसिकली, इट्स अ सेल काउंटर बट इट हैज लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन। इसमें आप एंटीबॉडीज को यूज करके एक मिक्स्ड पॉपुलेशन में कितनी तरह के डिफरेंट सेल्स हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हो, प्लस उनको इसी तरह अटैचमेंट आती है सॉर्टर, वो सॉर्टर लगा के वो हर एक तरह के सेल को अलग अलग चेम्बर में, अलग अलग ट्यूब में डाल के दे देगा आपको। तो आपके पास सेल काउंट हो जाएंगे, सेल आइडेंटिफाई हो जाएंगे, और वो सेल सॉर्ट भी हो जाएंगे। तो बहुत हाई एंड इंस्ट्रूमेंट है, इसकी मदद से आप बहुत सारे, सपोज ए गिवन पॉपुलेशन में कितने सेल्स लाइव हैं, कितने डेड हैं, कितने मरने जा रहे हैं, एपोप्टोसिस में एंटर कर चुके हैं, ये सब चीज़ें भी इस मशीन को यूज़ करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक गिवन सेल पॉपुलेशन में से। इसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है प्लास्टिक वेयर। सो टॉकिंग अबाउट प्लास्टिक वेयर, जस्ट
लेट मी गो बैक ए स्लाइड्स, आई हैड रेफ्रिजरेटर्स ऑल्सो. हाँ, सो एक स्लाइड आपकी स्किप हुई बीच में, दीज आर रेफ्रिजरेटर्स. तो रेफ्रिजरेटर्स में आप देखिए, दिस इज अ रेफ्रिजरेटर, अ डीप फ्रीजर, या क्रायो रेफ्रिजरेटर कह सकते हैं उसको आप. दिस इज बेसिकली -80 डिग्री या -40 डिग्री रेफ्रिजरेटर इस शेप में आते हैं, जिसमें आप अपना सामान को स्टोर कर सकते हैं फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन, से फॉर 2-3-4 मंथ्स. अगर आपने उससे भी ज़्यादा स्टोर करना है उनको, फॉर इवन लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आपको कोई सेल्स जूल को स्टोर करना है, देन यू गो टू लिक्विड नाइट्रोजन चेम्बर्स, लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर्स. दिस इज लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर्स, और ये छोटे छोटे चेम्बर हैं जिसमें आप सेल्स को रखेंगे. आप अगर इसका इंटीरियर देखें तो आपके पास देखेंगे एक कोटिंग रहती है, एंड देन दिस इज अ चेम्बर जहाँ पे सेल्स एक्चुअली प्लेस्ड रहते हैं कंटेनर्स में, और इनर वेसल में आपका लिक्विड नाइट्रोजन फिल रहता है. लिक्विड नाइट्रोजन आपका टेम्परेचर आपको देता है लगभग 200 डिग्री माइनस में टेम्परेचर देता है, 196 टू बी एग्जैक्ट, -196. उस टेम्परेचर में आपके पास जब आप उसको डालते हो लिक्विड नाइट्रोजन को, दो फेजेज आते हैं. एक लेयर तक लिक्विड नाइट्रोजन फिल रहेगी एज लिक्विड, और उसके ऊपर उसके वेपर्स निकलेंगे. तो आपके पास लिक्विड फेज लिक्विड नाइट्रोजन है और वेपर फेज लिक्विड नाइट्रोजन है. दोनों ही केसेस में आप वो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्स की प्रोलॉन्ग स्टोरेज के लिए. सो अब हम चलते हैं अपने प्लास्टिक वेयर के ऊपर. प्लास्टिक वेयर बहुत कॉमन सा बात कर रहा हूँ मैं, कि प्लास्टिक वेयर हम कौन कौन सा यूज़ करते हैं. जब हम एनिमल टिश्यू कल्चर की बात करते हैं, आप लोगों ने बैक्टीरियल टिश्यू कल्चर में देखा, बैक्टीरिया को हम ग्रो करते हैं, हम ग्लास फ्लास्क में यूज ग्रो कर लेते हैं उसको ब्रॉथ की फॉर्म में, या अगर आपने प्लेट्स बनानी हो तो पैटरी प्लेट्स यूज़ करते हैं, जिसपे आप अगार या कोई और मीडिया डाल के उसको सॉलिड मीडिया आप पैटरी प्लेट्स पे डालते हैं. एनिमल टिश्यू कल्चर में आपके पास स्पेशलाइज्ड वेसल्स हैं जो आप यूज़ करेंगे फॉर ग्रोइंग देम. तो पहला, सबसे पहला, जैसे आपके पास फ्लास्क आते हैं, दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड फ्लास्क. ये प्लास्टिक के स्ट्रक्चर्स होते हैं, सिंगल यूज स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्टराइल स्ट्रक्चर्स होते हैं. ये ब्लू कलर की कैप आप देख रहे हो यहाँ पे, ये ब्लू कलर की कैप फिटेड होती है एक फिल्टर के साथ. फिल्टर का जो डायमीटर है, जो पोर साइज है, वो 0.2 माइक्रॉन्स का होता है. वो किसी भी बाहर की कंटेमिनेशन को अंदर नहीं आने देता, जबकि हवा को पास करने देता है, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ सेल्स. आप देखें यहाँ पे ये रेड कलर का जो आपको दिख रहा है, दिस इज मीडिया. आगे बताऊंगा मीडिया के बारे में, एक कंप्लीट आपको प्रेजेंटेशन दूंगा मैं. तो मीडिया यहाँ पे रेड कलर का है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन इंडिकेटर कॉल्ड एज फिनोल रेड. आगे डिस्कस करेंगे फिनोल रेड का यूज. तो रेड कलर का मीडिया आपका, यूजुअली हम फ्लास्क को इस तरह से रखते हैं, हॉरिजॉन्टली रखते हैं, तो मीडिया आपका सिर्फ बॉटम की लेयर कवर करता है, और क्योंकि आपके सेल्स जो मोस्टली एडेरेंट होते हैं वो बॉटम के ऊपर चिपके होते हैं, तो मीडिया उनको ऊपर कवर करता है, उनको सबमर्ज करता है, और इस मीडिया में वो सेल अच्छे से ग्रो करते हैं. हम पूरा फिल नहीं कर सकते क्योंकि फिर चोकिंग हो जाएगी, फिर हवा के लिए स्पेस नहीं बचेगी. तो ऊपर की स्पेस हवा के लिए, हवा कैप से अंदर आएगी, ऊपर सर्कुलेट करेगी, नीचे आपके सेल्स चिपके हुए हैं और उसके ऊपर मीडिया पड़ा है. तो दिस इज अ वेरी टिपिकल वेसल विच इज यूज फॉर ग्रोइंग द सेल्स. जब आपको सेल्स बल्क में ग्रो करने हैं तो आप बहुत बड़ा फ्लास्क, दिस स्मॉल इज कॉल्ड T25 फ्लास्क, ये सेंटर वाले को T75 फ्लास्क कहते हैं, और ये बड़ा वाला T150 या T175 हो सकता है. तो ये फ्लास्क हमारे सेल कल्चर मेंटेनेंस में, सेल कल्चर को जब आपके पास आपको नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज़्यादा चाहिए तो आप उनको फ्लास्क में ग्रो करेंगे. एक्सपेरिमेंट्स इनमें बहुत कम लोग करते हैं, छोटे वाले फ्लास्क में कभी कर देते हैं लोग, लेकिन बड़े फ्लास्क का मेन रोल सेल का नंबर बढ़ाना, सेल को ग्रो कराना एम्पल स्पेस के अंदर. नंबर टू, आपके पास जो वेसल है दैट इज कॉल्ड एज डिशेज. ये डिशेज देखने में पैटरी प्लेट की तरह लगती है, बट इनको ट्रीट किया होता है फॉर अटैचमेंट, क्योंकि पैटरी प्लेट्स में आपके पास सॉलिड मीडिया और बैक्टीरिया मीडिया के ऊपर ग्रो करेगा, लेकिन एनिमल सेल्स मीडिया के ऊपर ग्रो नहीं करते, एनिमल सेल्स सबस्ट्रेट के साथ अटैच होते हैं. तो इन वेसल्स को, इन डिशेज को आप देखो, बड़ी वाली भी है, छोटी वाली भी है, तो आपके पास 10 mm डिशेज होती हैं, 35 mm डिशेज होती हैं, 60 mm डिशेज होती हैं, एंड देन यू हैव 90 mm डिशेज, और फिर ये पार्टीशन वाली डिश है. तो आपके पास छोटे से लेके बड़ी डिशेज होती हैं आपके पास, उन डिशेज में आप मीडिया, जैसे इसमें दिखाया है, मीडिया इसमें भी बॉटम में कवर करता है और सेल ग्रो करता है. तो डिफरेंस एक फ्लास्क में और एक डिश में ये है कि फ्लास्क में जो आपकी एंट्री है वो बहुत छोटी है, छोटी एंट्री से चांस ऑफ कंटामिनेशन बिकम्स लेस, वेयर एज ऑन द अदर हैंड कि जो आपकी डिश है उसका जो लिड है ये पूरी खुलेगी और आपका जो एरिया एक्सपोज होगा बहुत ज़्यादा होगा. तो डिशेज में आपका चांस ऑफ कंटामिनेशन इज कंपेरेटिवली हायर व्हेन यू कंपेयर इट विद द T75 फ्लास्क. सो ये दोनों वेसल्स का काम सेल्स को अबंडेंट अमाउंट में ग्रो करना. जब हमारे पास अबंडेंट अमाउंट में सेल्स आ गए और अब हमें एक्सपेरिमेंट की तरफ जाना है, तो एक्सपेरिमेंट्स टिपिकली हम यूज करते हैं मल्टीवेल डिशेस. जैसे आपके पास ये एक डिश दिख रही है, दिस इज कंटेन्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 डिफरेंट वेल्स, 6 डिफरेंट प्लेट्स
इनको एक छोटी बड़ी प्लेट के अंदर ही फॉर्म किया गया है, या सारे के सारे एक सिंगल प्लेट का हिस्सा है, 6 वेल्स कहते हैं इनको हम। तो यहाँ पे 6 वेल प्लेट है और 12 वेल प्लेट आपको मैंने दिखाई है, इट कैन बी 24 वेल, इट कैन बी 48 वेल। तो इनका काम है कि इनमें आप मीडिया डालें, सेल सीड करें, और फिर आपने एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, जैसे आपने फॉर एग्जांपल एक कंट्रोल लगा लिया और 5 एक्सपेरिमेंटल लगा लिए, या 2 कंट्रोल लगा लिए और 4 एक्सपेरिमेंटल लगा लिए, तो आपके पास सेम कंडीशंस में कंट्रोल भी ग्रो करेगा और सेम कंडीशन में एक्सपेरिमेंटल मटीरियल भी ग्रो करेगा। तो ये आपको एक ही टाइम ऑब्जर्वेशन देते हैं ऑफ द कंट्रोल एज वेल एज द एक्सपेरिमेंट। तो अब आपके नंबर ऑफ सैंपल्स और आपका सैंपल साइज कितना चाहिए, उसके बेसिस के ऊपर आप 6 वेल, 12 वेल, 24 वेल, 48 वेल, या आपके पास ये मल्टीवेल डिशेज में 96 वेल, बड़ा कॉमनली यूज्ड है। जब आपको बिल्कुल सिंगल एक्सपेरिमेंट में अमाउंट बड़ा कम, आपको ड्रग अमाउंट बहुत कम है, आपको ट्रीटमेंट करना है, तो आपको नंबर ऑफ सेल्स भी बहुत कम चाहिए, तो उस केस में आप इन मल्टीवेल डिशेज को यूज करते हो। 96 वेल डिश जो है बहुत इंपॉर्टेंट डिश है, बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट्स में। मूविंग ऑन, ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है, मैं चाहता था कि आप इसकी एक बार पिक्चर देखें। ये आपकी कहलाती है पाइपेट्स, इस केस में सेरोलॉजिकल पाइपेट्स हो तो कहलाते क्या बोलते हैं इनको हम। ये स्टराइल होती है, इंडिविजुअल पैकेट्स में आती है, लूज नहीं आती, स्टराइल होती है, और हर एक पाइपेट एक सिंगल पैकेट में बंद होती है। इन पाइपेट्स को आपने मुंह से सक नहीं करना है, ना इसको बल्ब से यूज करना है, इनके लिए हमारे पास स्पेशलाइज मैकेनिकल इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड पाइपेट एड्स आते हैं। ये पाइपेट एड्स में बटन रहते हैं आपके पास, ये देखिए आपका अप एरो डाउन एरो, इसमें आप इसको प्रेस करेंगे तो लिक्विड ऊपर मूव करेगा, इसको प्रेस करेंगे तो लिक्विड नीचे मूव करेगा, इसको और मैकेनिकल पाइपेटेड है, इलेक्ट्रिकल पाइपेटेड है। ये आपको एक पाइपेट लगी हुई दिखी है पाइपेटेड के साथ, तो आप मीडिया निकालना, मीडिया डिस्पेंस करना, फ्लास्क में से निकालना, फ्लास्क में डालना, या और लिक्विड्स को डिस्पेंस करने के लिए आप इन पाइपेट्स का यूज करते हैं। पाइपेट्स के बाद आपके पास नेक्स्ट स्लाइड आती है आपकी सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स। नाउ दिस इज अगेन जो आपने सब लोगों ने देखी हुई है, दीज आर कॉल्ड माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स, और देखो ये आपकी सिंपल सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स कहलाती हैं। तो माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में आप देखो छोटी ट्यूब्स हैं, 0.5 ml, 1.5 ml और 2 ml, वेर एज सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स में आपके पास 15 ml, 50 ml, ये दोनों 50 ml की हैं, सिर्फ इसमें ये फर्क है कि इसके नीचे ये एक एक्स्ट्रा रिंग है जिससे मदद से ये सेल्फ स्टैंडिंग बन जाती है। दिस इज सेल्फ स्टैंडिंग ट्यूब, दिस इज 50 ml ट्यूब, दिस इज 15 ml ट्यूब एंड 0.5 ml, 1.5 ml एंड 2 ml ट्यूब्स। तो व्हाट वी लर्नड इन दिस प्रेजेंटेशन और इन दिस लेक्चर इज कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक वेयर्स जो आपके सेल कल्चर एक्सपेरिमेंट्स में, सेल कल्चर लैब में यूज होते हैं, और डिफरेंट इक्विपमेंट्स जो हमें चाहिए अगर हम एक एनिमल टिश्यू कल्चर लैब सेटअप करना चाहते हैं, तो हमें कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए या कौन कौन से इक्विपमेंट मस्ट हैं एक एनिमल टिश्यू कल्चर लैब में होने के लिए। आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि एक एनिमल टिश्यू कल्चर लैब कैसे चलती है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा कि मीडिया का क्या रोल है, मीडिया क्यों इंपॉर्टेंट है, और कैसे मीडिया के कॉम्पोनेंट्स को हम फिडल करके एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस कर सकते हैं डिफरेंट कल्चर्स में। सो हम मीडिया का रोल एक्चुअली डिस्कस करेंगे, डिफरेंट कंपोनेंट्स का रोल डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हो सके तो मैं आपको एक दो स्लाइड्स दिखाऊंगा उसमें, जिसमें आप एनिमल सेल मॉर्फोलॉजीज देखोगे, जिसमें आप कॉमनली यूज सेल लाइंस का एक टेबल रहेगा। सो आई होप कि आपको थोड़ा सा फायदा हुआ हो इस लेक्चर से। वेट टिल द नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय।